हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ, प्लस टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। ओके, आज की रीडिंग का टॉपिक है, कौन है आपका सीक्रेट एडमायर, कौन आपको चुप चुप के पसंद करता है, कौन आपको चाहता है, उनकी कैसी क्या पर्सनैलिटी है। ओके, क्रस की रीडिंग होने वाली है बेसिकली आज की। ओके, या फिर आप जानना चाहते हो कि कौन आपको पसंद करता है, कौन आपको जानना आपको चुप चुप के प्यार करता है, सीक्रेटली एडमायर करता है, तो ये गाइज आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना पाइल सिलेक्शन की रीडिंग की जाए, तो मैं दो पाइल्स लिखूं, आप चूज कर लीजिए पाइल वन या पाइल टू में से एक इमोजी जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर वन से। यहां पर रख देती हूं पाइल नंबर वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर वन से, देखते हैं कि कौन आपका सीक्रेट एडमायर है, किसको आपके ऊपर क्रश है और वो कैसे हैं, उनकी क्या पर्सनैलिटी है। तो यूनिवर्स गाइड कीजिए, कौन मेरे व्यूवर्स का सीक्रेट एडमायर है, कौन इन्हें छुप छुप कर प्यार करता है, छुप छुप कर पसंद करता है। ओके, एज ऑफ कप्स यहां पर है, पेज ऑफ कप्स, वेरी नाइस। तो यूनिवर्स गाइड कीजिए, कौन है इनका सीक्रेट एडमायर, बताइए। ओके, सिक्स ऑफ कप्स और यहां पर है नाइन ऑफ कप्स। ओके, यहां पर निकला है किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, यूनिवर्स गाइड कीजिए, कौन है इनका सीक्रेट एडमायर, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और बॉटम ऑफ डेक है द लवर्स का कार्ड, ओ माय गॉड। ओके, तो मुझे यहां पर दिख रहा है कि ये जो भी हैं, ये आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं गाइस, बहुत ज्यादा पैशन फील करते हैं, आप इन्हें बहुत खूबसूरत लगते हो या हैंडसम लगते हो। ओके, क्योंकि यहां पर द लवर्स का कार्ड है, ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ डेक। तो मुझे यहां पर दिख रहा है कि आपकी भी सेम म्यूचुअल फीलिंग्स है इनके लिए, मतलब आप इन्हें जानते हो। ओके, आप इन्हें पहचानते हो। ओके, तो आप भी इनके लिए वैसा ही फील करते हो जैसा कि ये आपके लिए फील करते हैं, ये आपको हर समय देखते ही रहना चाहते हैं, इनकी एनर्जीज ऐसी हैं कि बस इसको देखता ही जाऊं या इसको देखती ही जाऊं, कुछ ऐसा। आप कैसे भी दिखते हो बट ये आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं, आपकी खूबसूरती को निहारते रहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। अगर आप सिंपल भी हो या आप बहुत मेकअप करते हो, चाहे कुछ कैसे भी आप रहते हो, बेसिकली आप इन्हें बहुत पसंद हो। ओके, और मुझे यहां पर दिखता है कि हो सकता है इन्होंने आपको अभी तक अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया आपके सामने, देखो इनडायरेक्टली किया होगा बट वर्बली मुंह से नहीं बोला होगा कि हाँ मैं ऐसा फील करता हूं या ऐसा फील करती हूं। आप ना इन्हें बहुत ज्यादा खूबसूरत, एक ऐसे लगते हो कि या इतने हैंडसम कि क्या, तो इनको ऐसा लगता है कि बस देखता जाऊं, कुछ ऐसा, या देखती जाऊं। हो सकता है जब आपका ध्यान इधर उधर होता हो, ये आपको देखते भी हो या छुप छुप के ये आपको देखते हैं, ये तो डेफिनेटली है। ओके, हो सकता है आप इनको मिले हो वर्क प्लेस में, हो सकता है या फिर जिम में भी, मुझे एनर्जी पिक हो रही जिम में है ये आपके। देखो आपको पता होगा क्योंकि यहां पर मुझे आपकी भी फीलिंग्स दिख रही हैं इनके लिए सेम। ओके, तो जिम में हो सकते हैं, कॉलेज क्लास, कुछ आप दोनों के सेम म्यूचुअल फ्रेंड्स उनमें हो सकते हैं, या फिर आपके ऑफिस में हो सकते हैं, आप साथ में काम करते हो या साथ में स्टडी किया है आपने, कुछ कहीं ना कहीं से आप इनको जानते हो। ओके, हाँ आप ये कैसे इंसान है, क्या है, ये चीजें तो आप जानते हो बट इनकी फीलिंग्स का इनडायरेक्टली आपको पता हो, ये चीजें मुझे दिखती हैं। ओके, आप चाहते हो कि ये आपको प्रपोज करें, ये आपको अपनी दिल की बात कहें, आपके लिए ये बहुत ज्यादा इमोशनली फील करते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल
फील करते हैं या आपको अपने दिल की बात कह देना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, कुछ ऐसी फीलिंग्स मैं देखती हूँ। मुझे ऐसा दिखता है कि आपके साथ ना बहुत ज्यादा अट्रैक्शन ये फील करते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आपकी खूबसूरती को या आपको निहारते रहो, कुछ ऐसी एनर्जीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, तो पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, ये आपको अपनी दिल की बात कह देना चाहते हैं। यहाँ पर दिख रहा है कि ये इनके दिल में ना आपको देखते ही लहरें उठती हैं, यानी कि इतना अच्छा लगता है इनको, आपकी अटेंशन पाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ओके, या आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है आप इनसे बात करते हो नॉर्मली कैजुअली, ऐसा भी मुझे दिखता है क्योंकि आपका इनका कनेक्शन है, मुझे यहाँ पर दिखता है आप लोग बात करते हो। ओके, या फिर हो सकता है कि इनके कोई थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में भी हो सकता है, या ये ऑलरेडी मैरिड हैं, कुछ ये चीजें भी हो सकती हैं। ओके, बहुत कम लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, बट स्टिल हो सकता है ये अपने दिल की बात कहना चाहते हैं आपसे, आपको गिफ्ट करना, गिफ्ट्स देना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बेसिकली इनको आपकी आपकी कोई भी एज हो, आप ना आप जो भी कपड़े पहनते हो इन्हें बहुत पसंद आते हो आप, इनको ऐसा लगता है कि बस इसको कोई और ना देखे, ये किसी और को अटेंशन ना दे, बस मुझे ही अटेंशन दे और मुझे ही देखे, कुछ ऐसी एनर्जीज में पिक कर रही है यहाँ पर। आपके साथ इनकी फीलिंग्स, इनकी जो अंदर की फीलिंग्स है ना, आपको देखकर दुगनी हो जाती है, कुछ ऐसा मुझे दिखता है। ओके, इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनकी लाइफ में आओगे तो इनकी विश फुलफिल हो जाएगी, ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं, मांगते हैं दुआओं में, एनर्जीज में, कुछ ऐसी एनर्जीज में देख रही हूँ। आप लोग का पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिखता है, आप लोग सोलमेट्स हो सकते हो, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्टेड हो, आप पहले से एक दूसरे को जानते हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन में यहाँ पर देखती हूँ, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं आप, ये काफी पोलाइट हो सकते हैं और समझदार भी मुझे यहाँ पर ये दिखते हैं। ओके, आपके लिए ना ये एज अ बॉडी गार्ड भी तत्पर रहते होंगे कि, या आपसे कहते होंगे कि अकेले मत जाओ, या मैं छोड़ देता हूं या छोड़ देती हूं, या कुछ ऐसा कि आपकी ना केयर करना बेसिकली, क्योंकि आप इनसे नोन तो हो, आपकी कहीं ना कहीं केयर भी ये करते हैं, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है। ओके, आपके बिना इन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, आपके जब आप नहीं होते हो ना तो इनको ऐसा लगता है कि सब कुछ कुछ भी अधूरापन सा हो सकता है, आप जिम में नहीं गए जिस दिन, या कहीं ना कहीं आप नहीं गए, या आपको नहीं देख पाइए ऑफिस, तो कहीं ना कहीं ये बेचैन से हो जाते हैं, आपको पूछते हैं अगले दिन हो सकता है, या कॉल में हो सकता है, कुछ ऐसी एनर्जीज में यहाँ पर देख रही हूँ। ये चाहते हैं बस आप इनके सामने बैठे रहो 24 घंटे, कुछ ऐसी एनर्जीज, और सेम आपकी भी फीलिंग्स इनके लिए ऐसी ही मुझे यहाँ पर दिखती है, आप भी इनके लिए बहुत ज्यादा फील करते हो। ओके, तो गाइस यहाँ पर मैंने कैंडल ऑन कर ली है, तो आपको अब यूनिवर्स से प्रे करना है अपने लिए। ओके, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड दे दीजिए, देखते हैं क्या कुछ आता है। यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूवर्स के जो भी ये सीक्रेट एडमायर हैं, उनका क्या नेचर हो सकता है, कैसे उनका कैरेक्टरिस्टिक बताइए, वो कैसे हो सकते हैं, यूनिवर्स प्लीज बताइए उनका क्या नेचर हो सकता है। देखो मुझे यहाँ पर पहले ही दिख रहा है कि ये फन लविंग होंगे। ओके, बहुत हंसी मजाक करने वाले, बहुत फन लविंग इंसान मुझे ये दिखते हैं, और मुझे ये अच्छे करियर, फाइनेंस इनके अच्छे हो सकते हैं, और दिमागदार, इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल ये मुझे दिखते हैं। इनकी कुछ पर्सनैलिटी ऐसी दिखती है जो एक राजा की तरह होती है, किंग की तरह होती है, ऐसी पर्सनैलिटी कुछ मैं देख रही हूँ, और आपके साथ ये बहुत एक स्पार्क फील करते हैं, एक कनेक्शन फील करते हैं। मुझे यहाँ पर दिखता है कि हाँ ये अच्छे पैसे वाले भी हो सकते हैं, करियर इनका अच्छा हो सकता है, इसी एनर्जीज मैं देख रही हूँ। इनको ना फूड का शौक हो सकता है, क्योंकि आप तो इनको जानते हो, आपको पता चल जाएगा कुछ। मुझे ये भी दिखता है कि खाने का शौक या बनाने का, ओके, खाना बनाना या खाना, दो चीज का शौक इनको डेफिनेटली हो सकते हैं। अच्छे रिच मुझे ये दिखते हैं, अच्छे फाइनेंशियली सेटल्ड मुझे ये दिखते हैं। ओके, ये मुझे थोड़े इनकी हाइट सही होगी, यानी कि 5'9" से 6' तक हो सकती है इनकी हाइट। ओके, और मुझे यहां पर दिखता है कि हैंडसम होंगे, यस,
इनके हेयर्स कुछ बड़े भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के साथ दिखता है मीडियम टू थोड़े बड़े हो सकते हैं, चाहे ये लड़का मेल है चाहे ये फीमेल है, ऐसा कुछ मुझे दिखता है। या फिर आजकल रखे हैं कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर पहले थे कुछ ऐसा हो सकता है अब नहीं है, कुछ ऐसी एनर्जीज मैं देख रही हूँ। ये ना ये एक जेंटलमैन जैसे मुझे दिखते हैं, ये जेंटलमैन होंगे या जेंटल वुमेन कुछ ऐसा, इंडिपेंडेंट मुझे दिखते हैं। और इनकी जो इनकी सोच है वो भी काफी मुझे अच्छी दिखती है, यानी कि अच्छे सोच वाले, थिंकिंग अच्छी थिंकिंग वाले, ब्रॉड माइंडेड हो सकते हैं ये। ओके मुझे कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल भी ये दिखते हैं। ओके स्पिरिचुअल हो सकते हैं ये, और मुझे इनका नेचर सही गलत का डिसीजन, फेयर डिसीजन लेने वाले भी मुझे ये दिखते हैं। ओके ऐसा कुछ मुझे यहां पर इनकी एनर्जीज दिखती है, इनके इनके कैरेक्टरिस्टिक दिखते हैं। तो यस गाइस, ये थी पाइल नंबर वन आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो मुझे बताइएगा कमेंट में, मैं डिटेल रीडिंग भी करूंगी। ओके 7, 6 नंबर इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर इनका डेट ऑफ बर्थ का नंबर है, या मूलांक है, या भाग्यांक है, कुछ ना कुछ इनसे रिलेटेड है। 6 नंबर, 7 नंबर भी दिखता है, 1 नंबर भी दिखता है। ओके तो यस पाइल नंबर वन। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग। रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ओके तो बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, तो शेयर कर दीजिएगा इस रीडिंग को। अब देखते हैं पाइल नंबर टू से, अगर आपसे रेजोनेट होती है तो ठीक है, नहीं तो पाइल नंबर टू भी आप देख सकते हैं। हेलो पाइल नंबर टू, जिन लोगों ने ये इमोजी चूज किया है, अब आप लोगों की रीडिंग देख लेते हैं क्या कुछ आता है आपकी रीडिंग में। ओके तो यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे पाइल नंबर टू व्यूवर्स का, कौन सीक्रेट एडमायर है बताइए यूनिवर्स, कौन सीक्रेट एडमायर है। ओ माय गॉड, द एम्प्रेस। ओके टेन ऑफ वॉन्स, 3 ऑफ वॉन्स। ओके ओके यहां पर 2 कार्ड्स निकले हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके 7 ऑफ वॉन्स, एरीज लियो सेजिटेरियस की यहां पर काफी एनर्जीज दिख रही है, और टॉरस वीरगो कैप्रिकॉन की भी है, ये इनके कुछ जोडिक साइन हो सकते हैं। 3 ऑफ कप्स। ओके बॉटम ऑफ डेक द सन का कार्ड है। ओके तो गाइस मुझे 3 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट दिखता है, या फिर और 19 नंबर इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 नंबर मुझे यहां पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। ओके तो मुझे यहां पर दिख रहा है गाइस, पहले तो मुझे दिखता है या तो ये मैरिड है, क्योंकि यहां पर 3 नंबर है, थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिखती है, 3 नंबर और 3 नंबर बहुत दिख रहा है। या तो मुझे यहां पर दिख रहा है ये ऑलरेडी किसी और के साथ कमिटेड है, या जहां पर ये खुश नहीं है। ओके या फिर ये मैरिड है किसी के साथ, या आप मैरिड हो, या आप किसी और के साथ कमिटेड हो, तो वाइस वर्सा कुछ भी एनर्जीज हो सकती है। ओके तो मुझे यहां पर दिखता है कि, या फिर मुझे ये भी दिखता है कि आपको सीक्रेटली 3 और 3 से ज्यादा लोग एडमायर करते हैं, यानी कि क्रश रखते हैं आपके ऊपर। ओके और मुझे यहां पर ये चीजें दिख रही है कि इनके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। ओके लॉन्ग डिस्टेंस है ये, है इनकी एनर्जीज, या कुछ ना कुछ डिफरेंसेस मुझे यहां पर दिखते हैं, या फिर हो सकता है कास्ट कल्चर रिलीजन ट्रेडिशन, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में, या एज डिफरेंसेस हैं। तो मुझे यहां पर दिखता है कि आपको ये बहुत खूबसूरत मानते हैं। ओके आप कैसे भी रहते हो, आप इनको बहुत खूबसूरत लगते हो, या फिर हैंडसम लगते हो। मुझे यहां पर दिख रहा है आपका पहनावा, आपका ड्रेसिंग सेंस इनको बहुत ज्यादा पसंद आता है, आपका एक नेचर है, आपका एक केयरिंग नेचर, या फिर आपका
आप इतने कूल हो, काम हो, या कहीं ना कहीं आपका नेचर ये जानते हैं, आपको और जानने के लिए भी ये क्यूरियस होते हैं, एक अट्रैक्शन ये आपसे फील करते हैं, बट ये समझ नहीं पाते हैं कि क्यों मैं ऐसा फील करता हूँ या करती हूँ, बट स्टिल आपका ऑरा इतना वो है ना, मैग्नेटिक, लोगों को अपनी तरफ खींचने वाला, ये चीज मैं देख रही हूँ। काफी लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, आप जैसे भी दिखते हो बट स्टिल लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। समटाइम्स मुझे ये भी दिखता है कि आपको बहुत जल्दी नजर भी लगती है। ओके, आप कहीं से कहीं भी ओकेजन में जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, आपको बहुत जल्दी नजर लग जाती है क्योंकि आप इतने अट्रैक्टिव लगते हो, भीड़ में भी आप अलग चमकते हो, कुछ ऐसी एनर्जीज मैं देख रही हूँ जिस वजह से आपको नजर लग जाती है, क्योंकि लोगों की अटेंशन और इवल आई दोनों आप कैच करते हो। ओके, काफी लोग आपसे जेलस्ड होते हैं, ये एनर्जीज भी मैं यहां पर पिक कर रही हूं। नहीं, अच्छा नहीं सोचते, कुछ ना कुछ आपको बोल देते हैं, अच्छा नहीं सोचते, कुछ लोग ऐसे दिखते भी हैं मुझे। ओके, ये ना आपको लेके बहुत प्रोटेक्टिव दिखते हैं मुझे, मतलब ये आपको पकड़ के रखना चाहते हैं, ये आपको बिल्कुल आपको अपने से दूर नहीं करना चाहते, कुछ ऐसी एनर्जीज मैं देख रही हूं। ओके, आपके बिना ये बहुत सैड हो जाते हैं, इनको समझ में नहीं आता कि मैं क्यों ऐसा फील करता हूँ, ऑलरेडी तो मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में हूं या फिर मैरिड हूं, फिर मुझे ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि मुझे यहां पर दिखता है एक एनर्जीज ऐसी है जो आप दोनों को खींचती रहती, क्योंकि आप भी इनके बारे में बहुत सोचते हो और ये भी आपके बारे में सोचते हैं। सीक्रेटली ये आपको बताते नहीं है बट ये आपसे बहुत ज्यादा फील करते हैं, आपके साथ सेलिब्रेशन की एनर्जीज है, आपके साथ या तो इस कनेक्शन में आना चाहते हैं या मुझे दिखता है फ्रेंडशिप बढ़ाना चाहते हैं या आपको जानना चाहते हैं कुछ और, ऐसी एनर्जीज में यहां पर देख रही हूं। ओके, सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे दिख रहा है कि इन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अगर ये आपको नहीं देखते हैं तो इन्हें कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, ये बहुत ज्यादा हो सकता है कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये फेस कर रहे हैं या थर्ड पार्टी के साथ ना कुछ थर्ड कर्मा, क्योंकि यहां पर थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो कुछ कार्मिक रिलेशन है जो भी इनकी लाइफ में जो भी है थर्ड पर्सन जहां पर ये खुश नहीं है। ओके, तो आपको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज मैं देख रही हूं, एक लॉन्ग टर्म रिलेशन चाहते हैं, द सन का कार्ड है। ओके, और इसके नीचे था द मजिशियन, ओ माई गॉड, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सोच सोच के आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहते हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही है, बहुत जल्दी अपने दिल की बात कह देना चाहते हैं आपसे। यस, मे बी आपको भी इनकी फीलिंग्स का पता है, मुझे ये भी दिखता है। एक्चुअली जो तीन लोग हैं आपके ऊपर, आपके सिगरेट एडमायर हैं, मुझे दिखता है कि तीनों का आपको कहीं ना कहीं हिंट है, कहीं ना कहीं पता है। ओके, एक ऐसी आपका अट्रैक्शन इतना है ना कि भूल कर भी, मतलब सोच सोच कर आप इनको याद आते हो, कुछ ऐसी एनर्जीज मैं देख रही हूं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं अब कैंडल वैक्स के थ्रू क्या कुछ एनर्जीज आती हैं। तो गाइस, मैंने कैंडल जला ली है, अपने लिए प्रे कर लीजिए, यूनिवर्स गाइड कीजिए, कैसा नेचर है उनका, कैसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। गाइस, पहले तो मुझे यहां पर हार्ट बनते हुए दिखा है, ये आपसे, यस, इनके अंदर बहुत ज्यादा फीलिंग्स है आपके लिए, लव्ड फीलिंग, ये भी मुझे हार्ट बनते हुए दिख रहा है, बहुत ज्यादा लव्ड फील करते हैं, बता देना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, कुछ ऐसा मुझे दिखता है। यस, जैसे आपके पास आना चाहते हैं बोला, वैसे ही वैक्स आपस में क्लोज आ गई, यस, क्लोज आना चाहते हैं। तो मुझे यहां पर ये भी काफी हैंडसम दिख रहे हैं या ब्यूटीफुल हो सकती है, यहां पर फिर हार्ट बना है, ओ माय गॉड, कितना हार्ट ही हार्ट बन रहे हैं। तो मुझे यहां पर दिख रहा है, यस, ये बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं आपसे, यहां पर लाइकिंग तो है बट एक लव्ड भी है आपको, एक यहां पर मुझे स्टार बनते हुए दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि यस, आपको एक तारे की तरह समझते हैं, इनको ऐसा लगता है आप कितने खूबसूरत हो, आप कितने अच्छे हो, शायद इनसे कभी बात भी ना करो, आप चाहे इनको भाव भी ना दो, बट स्टिल मैं क्यों इतना सोच रहा हूं, मैं क्यों इतना सोचती रहती हूं, कुछ ऐसा ये सोचते हैं। ओके,
और मुझे यहाँ पर ये भी अच्छे दिखते हैं, ऐसा नहीं, काफी प्रॉस्पेरिटी मुझे हो सकता है इन दिखती है, थोड़े इनका नेचर कंजूस वाला भी हो सकता है, ओके ऐसा भी दिखता है। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये भी काफी हैंडसम या ब्यूटीफुल हो सकते हैं, बट स्टिल इनको ऐसा लगता है कि आप ज्यादा इनके मुकाबले अच्छे लगते हो, कुछ ऐसी एनर्जीज है, तो इनको ऐसा लगता है कि ये कौन कहीं मेरे से बात करेगी या क्यों ही मुझसे बात करेगा, कुछ ये चीजें मैं देख रही हूं। बेसिकली इनके दिमाग में आप चलते रहते हो 24 आवर्स, ये कंट्रोल नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स को आपके लिए, मतलब इनको समझ में नहीं आता कि क्यों ही मैं 24 घंटे इसके बारे में सोच रहा हूं या सोच रही हूं। कहीं ना कहीं ये आपसे सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड है, ये भी मुझे दिखता है, आपकी पिक्स देखना या आपका वेट करना या आपके स्टेटस का वेट करना या आपकी पिक्स का वेट करना, कुछ ये ऐसा मुझे यहाँ पर दिखती है एनर्जीज। ओके और मुझे यहाँ पर यस सेलिब्रेशन की एनर्जीज दिख रही है, सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ, यानी कि कनेक्शन को कुछ ऐसा दिल की बात कह के करना चाहते हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज में यहाँ पर देख रही हूँ। ओके हाँ, मुझे यहाँ पर ये अच्छी जॉब में या अच्छे करियर इनका हो सकता है या करियर में फोकस्ड हैं काफी, ये भी दिखते हैं, नॉलेजेबल दिखते हैं। एक्चुअली यहाँ पर सन का कार्ड से भी मुझे दिखता है कि यहाँ पर यस कोई गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है यहाँ पर इनकी। ओके और मुझे यहाँ पर थोड़ा एग्रेसिव भी ये दिखते हैं, थोड़ी बातों में गुस्सा आना, ये कुछ भी हो सकता है, एग्रेसिव थोड़ा थोड़ा मुझे यहाँ पर ये भी दिखता है। आपको इनकी फीलिंग्स का तो पता है, मुझे ऐसा लगता है आप इतना भी इनके बारे में नहीं जानते हो, डिटेल में आप इनके बारे में नहीं जानते हो, ये कुछ एनर्जीज में मैं पिक कर रही हूं। ओके कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी इनके बारे में रह रहकर आप भी इनके बारे में सोचते हो, आप भी इनको जानने के लिए क्यूरियस हो, कुछ ऐसी एनर्जीज है, आप भी जानना चाहते हो, बात करना चाहते हो, कुछ ऐसी एनर्जीज मैं यहां पर देख रही हूं इनको, इनसे एक्चुअली बात करना चाहते हो एज अ फ्रेंड ही सही, बट यस ओके। और मुझे यहां पर मैंने आपको ज्योतिष साइन बता दिए इनके, हाँ ये ही कुछ मुझे अभी तक ये एनर्जी पिक हुई है गाइस बस। ओके तो अगर आपको डिटेल रीडिंग देखनी है इसी टॉपिक पे तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा आपसे कौन सी रेजोनेट हुई है रीडिंग, पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2। तो गाइस अगर रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।